स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर जिन चंद टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है उसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, अफेक्टिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग देखेंगे, फिर अप्रोचेस कौन सी हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर अफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन सा है, और लास्टली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीचर क्या है। अप्रोचेस टू इफेक्टिव टीचिंग, अप्रोचेस हमारे सामने जो है वो तीन तरह से बुनियादी अप्रोचेस हैं, एक स्टाइल व्यू है, एक आउटकम अप्रोच है और एक इंक्वायरी अप्रोच है। स्टाइल व्यू क्या है? स्टाइल व्यू में टीचर क्या करता है, जिसका फोकस है कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, हाउ टीचर्स टीच, या टीचर किस तरह से क्लासरूम के अंदर जो है वो अपनी टीचिंग को लेकर चलते हैं। सो हाउ टू टीच, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। हम कहते हैं जो इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग करनी है तो उसके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू एवलुएट। व्हाट टू टीच आपके पास कंटेंट की सूरत में है, हाउ टू टीच का भी आपको पता है कि बच्चे बाद में कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, बट कैसे सीखेंगे वो किताब से आपने बच्चों के माइंड में कैसे लेकर आना है, इसके लिए हाउ टू टीच है। टीचिंग, जहां मैंने कहा था ना टीचिंग इज एन आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस, दैट्स व्हाई, बिकॉज टीचिंग के अंदर हाउ टू टीच इन्वॉल्व है, किसको किस तरह से पढ़ाना है ये सबसे अहम है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। सो अगर आपने मैथ पढ़ाना है तो किस तरह से पढ़ाना है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ानी है तो किस तरह से पढ़ानी है, अगर आपने उर्दू पढ़ाना है तो किस तरह से पढ़ाना है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जुआलॉजी पढ़ानी है तो किस तरह से पढ़ानी है। जहां सबक चेंज हो जाएगा, जहां लेसन चेंज हो जाएगा या जहां टॉपिक चेंज हो जाएगा वहां पर मेथड ऑफ टीचिंग बदल जाएगा। यानी दूसरा अप्रोच है आउटकम का, मैंने पहले भी बात की थी, टीचिंग इफेक्टिवनेस बेस करती है स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर, और लर्निंग बेस करती है आजकल स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर। सो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस बेस करती है उसको हम आउटकम अप्रोच कहते हैं। और तीसरी जो है वो अल्टरनेटिव व्यू ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस है, जिसमें स्टाइल और आउटकम जो है इन दोनों को इंक्वायरी बेस्ड फ्रेमवर्क के अंदर हम रख के देखते हैं। सवाल जवाब के जरिए से टीचर ने भी अपने टीचिंग का स्टाइल को लेकर आया हुआ है, बच्चों का भी उसको ध्यान रखना है कि बच्चे किस तरह से सीखना चाहते हैं, आउटकम भी रखना है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट को भी देखना है, टीचर ने अपनी टीचिंग को भी देखना है, दोनों चीजों को मिलाते हुए इंक्वायरी बेस्ड फ्रेमवर्क के जरिए से वो फिर पढ़ाने की बात करते हैं। अब स्टाइल व्यू क्या है? स्टाइल व्यू के अंदर टीचर जो है वो वार्म्थ रिलेशनशिप शो करता है, जहाँ टीचर ने अपनी टीचिंग को ही आगे लेकर जाना है तो टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए तलबा के साथ एक वार्म्थ रिलेशनशिप भी कायम रखना। जब तक टीचर और तालिबिलम के दरमियान में वो गर्मजोशी वाला माहौल नहीं होगा उस वक्त तक टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। इसी तरह से वार्म्थ के साथ साथ एंथुसियास्टिक भी हो, टीचर खुशी से जोश और जज्बे के साथ क्लासरूम के अंदर जाए, सो इफेक्टिव टीचर जो है वो एंथुसियास्टिक होगा। स्टाइल व्यू की जब हम बात करते हैं तो तभी उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी। इसी तरह से वो सबक के आगाज पर पूरे सबक का ओवरव्यू भी देगा, जैसे मैंने आपको पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स के सूरत में बयान किया कि ये हमारा आज का ओवरव्यू है, आज हम जो कुछ इसमें पढ़ेंगे। सो इफेक्टिव टीचर मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम दे आर टीचिंग द होल क्लास, वो कम से कम वक्त में कम से कम वक्त जो है वो पढ़ाने पे लगाएगा और उसमें कहीं ना कहीं तलबा को भी इंगेज करेगा। इसी तरह से जो जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंदर जो फैसिलिटेट करेगा, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन को वो बेहतर बनाएगा। इसी तरह से जो इफेक्टिव टीचर है वो डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स और अप्रोचेज इस्तेमाल करेगा जिसके जरिए से टीचिंग इफेक्टिव हो। वन ऑफ द टीचिंग टेक्निक इज के वो क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा है, वो डिस्कशन कर रहा है, वो एक्टिविटीज जनरेट कर रहा है। सो कई तरह से जो टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हुए क्लासरूम को आगे लेकर चलता है, ये स्टाइल भी है। फिर आ जाता है आउटकम अप्रोच। आउटकम अप्रोच के जिसमें स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग की जाती है। सो यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है, इस चीज को देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने क्या हासिल किया, वहां टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, स्टाइल में अप्रोच में स्टूडेंट्स ने क्या हासिल किया, क्या सीख लिया। सो टीचिंग की इफेक्टिवनेस तलबा के सीखने से मुतल्लिका है।
तो इसमें जो टीचर्स की टीचिंग की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए सबसे बेहतर है कि हम तलबा की अचीवमेंट को देखें, कौन सी अचीवमेंट को कि जो टीचर ने उनको पढ़ाने के ज़रिए से हासिल करवाई है। सो ऐसी सूरत में हम उनको देख पाएंगे। सो इसी वजह से जो कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर जो है वो सबसे बेहतर डिटरमिन होती है जब हम तलबा की अचीवमेंट को हम देखते हैं कि वो कितनी कंट्रीब्यूटेड अंदाज में, कितनी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि टीचर जो हैं वही काज बन रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का। सो जितनी हाई अचीवमेंट होगी तलबा की उतनी इफेक्टिव टीचिंग समझी जाएगी, और जितनी लो अचीवमेंट होगी स्टूडेंट्स की उतनी इनइफेक्टिव टीचिंग समझी जाएगी। हमारे यहाँ आजकल जो टीचर्स की एवेल्यूएशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम अप्रोच होती है। आपने जो गवर्नमेंट सेक्टर में है आपको पता होगा कि आपकी ACR जो हैं वो बनाई जाती हैं, ACR लिखी जाती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो हैं पर भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ये ACR जो होती हैं इनके अंदर जो है आपके रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर आपकी फर्दर आगे प्रमोशन होती है। सो जितनी आपके स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हाई है उतनी समझी जाती है कि आपकी टीचिंग अच्छी है और उतने आपको बेहतर ग्रेड्स मिलते हैं, और जितनी आपकी तलबा की अचीवमेंट लो है उतनी आपकी इनफेक्टिव टीचिंग जो है वो फिर समझी जाती है। और तीसरी इंक्वायरी अप्रोच है। सो इंक्वायरी अप्रोच में जो इफेक्टिव टीचर्स हैं वो इंक्वायर करते हैं इनटू द रिलेशनशिप, व्हाट दे डू एंड व्हाट हैपन फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टीचर जो है वो इंक्वायरी अप्रोच के अंदर अपने टीचिंग मेथड्स को भी देखता है, अपने टीचिंग स्टाइल को भी देखता है, अपने हाउ टू टीच को भी देखता है, और फिर एंड पे रिजल्ट्स भी देखता है कि तालिबे इल्मों ने आउटकम की सूरत में क्या रिजल्ट्स दिए। सो दोनों का जो बाहमी रिलेशनशिप है उन दोनों की रिलेशनशिप को इंक्वायर करते हुए वो अपनी मेथड ऑफ टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग को सामने रखते हुए फिर अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को वो देखता है कि कितनी इफेक्टिवनेस है। मेरे तालिबे इल्म जो हैं वही ऐसे हैं, वही लो अचीवर्स हैं, मैंने अपनी टीचिंग लो अचीवर्स को सामने रखते हुए बहुत बेहतर यूज़ की थी। सो दोनों को देखते हुए मेरी टीचिंग ठीक थी, स्टूडेंट्स की लर्निंग इस कंटेंट को सामने रखते हुए इतनी होनी चाहिए, लिहाजा मेरी टीचिंग इफेक्टिव है। सो ये चीज़ें देखी जाती हैं। सो जो इफेक्टिव टीचर है वो ज़्यादा काम करता है, डू मोर देन सिंपली इंक्वायर, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहता है। इंक्वायर इतना इंक्वायर का तलक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के साथ है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के साथ है, कि जिसमें वो देखता है कि अच्छा रिजल्ट्स ख़राब आए तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग के अंदर तो ख़राबी नहीं है, डेट इज़ इंक्वायरी अप्रोच। मैंने पढ़ाया लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो आधी क्लास फेल हो गई, आउटकम को देखते हुए मैंने अपनी टीचिंग को देखा और इंक्वायर किया कि वाई दो स्टूडेंट्स फेल, डेट मीन कि कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग के अंदर कोई इशू है, तो उस टीचिंग के अंदर इशू को मैं किस तरह से रेक्टिफाई कर सकता हूँ, ख़त्म करता हूँ, ठीक करता हूँ। ठीक करते हुए वो इंक्वायरी अप्रोच को अख्तियार करते हुए मैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करता हूँ, तो ये इंक्वायरी अप्रोच है। सो टीचर जो है वो पढ़ाता है, पढ़ाने के साथ साथ वो फिर एक्शन लेता है, एक्शन किस पे आते लेता है, एक्शन अपनी टीचिंग के ऊपर लेता है इन रिलेशन टू व्हाट दे आर डूइंग इन क्लासरूम। तालिबे इल्म क्या कर रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ पर तालिबे इल्म उसके मुताबिक सीख भी रहे हैं कि नहीं, और क्या वो उनके आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं, और फिर इन चीज़ों को वो कंटिन्यूसली इंक्वायर करता है, और इंक्वायर करते हुए वो अपनी टीचिंग को जो इफेक्टिव बनाता है तो उससे टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, अपनी रिफ्लेक्शन करता है और रिफ्लेक्शन के जरिए से फिर अपनी टीचिंग को बेहतर करता है। सो इफेक्टिव टीचर जो है वो इज मोर देन स्टाइल एंड इज मोर देन आउटकम, दोनों सूरतों से वो हो रही है, और ये कंटिन्यूअल इंटरोगेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, यही दो डायमेंशन जो हैं, एक टीचिंग है और एक लर्निंग है। सो दोनों को साथ रखते हुए स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इन्हांस किया जाता है, और इंसान जब इन्हांस किया जाता है थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द टीचर बाई हिमसेल्फ,
अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, अपने आप को खुद को इफेक्टिव टीचर बनवाने के लिए, तो जब वो रिफ्लेक्शन करेगा, अपने आप को इफेक्टिव टीचर बनवाएगा, तो उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। दैट इज व्हाट द इंक्वायरी अप्रोच। अजीज तुलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तमाम का हामी और नासिर हो।